नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में तीसरी लहर का कहर, पाबंदियां बढ़ा दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, बाजार रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। सिनेमा प्रदर्शनी में सिर्फ 50% लोग ही जा पाएंगे। 200 से ज्यादा की भीड़ पर 10,000 का जुर्माना भी। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर सख्ती बढ़ा दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की पहली बार हुई लाइव ओपन बैठक में कोरोना की नई गाइडलाइन को मंजूरी मिल चुकी है। इसे गृह विभाग ने तत्काल जारी और लागू भी कर दिया है। हालांकि इसके तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी छूट रहेगी, बाकी पाबंदियां बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मास्क नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना, सड़क या सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना, कैब, ऑटो रिक्शा और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना मास्क सफर पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 100 रुपए का जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर शराब और तंबाकू सेवन पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, दफ्तरों में डिस्टेंसिंग मेंटेन और सैनिटाइजेशन न होने पर 10,000 का जुर्माना, बस में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी, रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू सख्ती से लागू कर दिया गया है। 200 से अधिक लोग जुटाने हैं तो कलेक्टर की अनुमति जरूरी कर दी गई है। सिनेमा थिएटर प्रदर्शनी ऑडिटोरियम में 50% ही उपस्थिति, दोनों डोज जरूरी हो चुकी है। 31 जनवरी तक 18 से ऊपर के हर व्यक्ति को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यही कोरोना की गाइडलाइन। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर। एक ही दिन में ओमिक्रॉन के 23 नए केस, जोधपुर, भीलवाड़ा और अलवर में भी एंट्री, राजस्थान देश में 100वें नंबर पर। जयपुर में कोरोना के 88 नए केस। राजस्थान में ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को ओमिक्रॉन के 23 नए केस मिले हैं। जयपुर, सीकर, अजमेर, उदयपुर के बाद अब नए वेरिएंट ने भीलवाड़ा, अलवर और जोधपुर में भी दस्तक दे दी है। राजस्थान के सात शहरों तथा नया वायरस है वो फैल चुका है। अब तक प्रदेश में इस वेरिएंट से संक्रमित मिलने वालों की संख्या 46 से बढ़कर 69 हो चुकी है। वहीं कोरोना अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 131 नए केस मिले हैं। पिछले छह महीने में इतने पॉजिटिव केस लगातार मिले हैं। 14 जिला में मिले मरीज। जयपुर में सेंट्रल जेल बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। जयपुर में 88 केस मिले हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो बुधवार को जयपुर में 88 केस मिले हैं। इसके अलावा बीकानेर में 12, अलवर में 6, सीकर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा में 4 और अजमेर में 3, कोटा, पाली, उदयपुर में 2 मरीज मिले हैं और सिरोही में 1 केस मिला है। वहीं जोधपुर में भी 1, चूरू में भी 1, भरतपुर में भी 1 केस मिला है। जयपुर का सेंट्रल जेल कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है क्योंकि यहाँ 21 कैदी एक ही दिन में पॉजिटिव मिले हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, 6 डिग्री तक गिरेगा पारा। आसमान साफ होते ही 8.7 डिग्री पहुंचा पारा, शीतलहर लेकर आएगा नया साल। आसमान साफ होते ही हाड़ कंपाने वाली सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। बुधवार को सुबह से आसमान साफ रहा है, निम्न परत के बादल भी गायब हो गए हैं। इसी वजह से धूप तो खिलेगी लेकिन रात में ठिठुरन का दौर बढ़ चुका है। मौसम विभाग की माने तो आगे तापमान गिरेगा लेकिन रात का तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रात का तापमान अब लगातार घटेगा, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके वापस हाड़ कंपाने वाली सर्दी का दौर भी शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक शीतलहर चलने के संकेत दे दिए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर डीजल के पेट्रोल के दामों को लेकर है। आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। प्रतिदिन अपडेट होती है पेट्रोल डीजल की कीमत। लगातार पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश, हत्या के आरोपियों की 1.5 साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं, न्यायालय ने जताई नाराजगी। याचिका में यह कहा गया है कि वर्ष 2020 में उसे बेटे की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। घटना को लेकर उदावल थाने में 28 मई 2020 को आरोपियों के खिलाफ नामदर FIR दर्ज कराई गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में पुलिस लचर जांच कर रही है और अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हत्या के आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करें। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार लेकर आई नई नीतियां, लेकिन कई नीतियों के पूरे होने का इंतजार अब भी बना हुआ है। 2021 समाप्त होने को आ रहा है जबकि 2022 का स्वागत किया जा रहा है। गहलोत सरकार का दावा कि सुशासन सत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, 70% घोषणाएं पूरी कर ली गई है, लेकिन क्या गहलोत सरकार की वो नीतियां लागू कर पाई जिनकी घोषणा चुनाव से पहले की गई थी। आइए आपको बता दें कि वर्ष 2021 में गहलोत सरकार कौन कौन सी वो नीतियां लेकर आई। इसके साथ ही गहलोत सरकार ऐसी कई बड़ी नीतियां लेकर आई है जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है। शायद आप बेरोजगारी भत्ते को ले सकते हैं। हालांकि बेरोजगारी भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू किया जा रहा है लेकिन अभी तक इसका
मंजूरी है वो पूर्ण तरीके से मिल चुकी है, लेकिन किया जा सकता है 1 जनवरी से या फिर नहीं, इसको लेकर अभी तक पेंच बना हुआ है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार को खुश करने के लिए लेंगे 1637 करोड़ रुपए का लोन। सरकार की बजट घोषणा पूरी करने रूडीज को 1637 करोड़ रुपए और अफोर्डेबल आवास के लिए 200 करोड़ रुपए का लोन लेगा। राज्य सरकार इसके लिए गारंटी देगी। 1637 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए सार्वजनिक निर्माण विभाग को शहरी निकायों की सड़कों के निर्माण के लिए देंगे। बजट घोषणा 2021-22 के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण किया जाना है। बाकी 1637 करोड़ से शहरों में टाउन हॉल, FSTP और अन्य विकास कार्य होंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस के एक और अधिकारी ने अपनी शर्मनाक हरकत की है। राजस्थान पुलिस की एक और अधिकारी ने अपनी शर्मनाक करतूत से पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। बूंदी महिला थाने के थानाधिकारी शौकत खान ने पीड़िता महिला से अश्लीलता के हद पार करते हुए उसे अकेले घर आने पर भी कहा है। पीड़िता का आरोप है कि थाने में थानाधिकारी ने उसे सुनने का प्रयास किया है। व्हाट्सएप कॉल करके कहा है कि तुम तुम्हारे घर की सबसे खूबसूरत चीज हो। महिला ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में की है। उसके बाद थानाधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक और नकल के मामलों में परेशान CRPF के एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और भ्रष्टाचार के मामलों से आहत होकर CRPF के एक और अधिकारी ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है। राष्ट्रपति के नाम लिखे अपने इस्तीफे में CRPF असिस्टेंट कमांडर विकास जाखड़ ने इसके लिए पिछले दिनों सामने आई भर्तियों की गड़बड़ियों को जिम्मेदार बताया है। मूलतः झुंझुनू जिले के रहने वाले विकास जाखड़ ने अपनी वीरता दिखाते हुए 2016 में नक्सलियों को झारखंड के लातेहार जिले में मुंह मोड़ जवाब भी दिया था। उनके इस साहस को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सेना के शौर्य चक्र से उन्हें नवाजा था। ये थी राजस्थान की आज की टॉप @10 बड़ी खबरें। मिलते हैं।